वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, आपको थंबनेल देख कर तो कुछ आइडिया मिल ही गया होगा। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके अगस्त के टाइम टेबल के बारे में कि हमें अगस्त महीने में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, आजकल यूट्यूब पर एक ट्रेंड चला है कि ऐसे बहुत सारे जो चैनल्स हैं ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि अगस्त में पढ़ाई कैसे करें, जुलाई में पढ़ाई कैसे करें, सितंबर में पढ़ाई कैसे करें। तो आज हम लोग ऐसा कुछ कोई भी बात नहीं करने वाले भाई। देखो, हमें सिर्फ अगस्त में ऐसे पढ़ना है, ये ज़रूरी थोड़ा ना है। लेकिन अच्छी बात है, सर लोग अच्छा बता रहे हैं, उनको आप ज़रूर फॉलो करें। लेकिन आज हम लोग कुछ एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें अपना एक रेगुलर स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए ताकि हमें हर महीने उसको चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब ये क्या मतलब है कि अगस्त में हम किसी और तरीके से पढ़ेंगे, सितंबर में किसी और तरीके से पढ़ेंगे। ये टाइम टेबल उनके लिए है जो सीरियस नहीं है, जो सिर्फ सोचते हैं कि हमें आज अगस्त में पढ़ाई शुरू करना है, हमें सितंबर में पढ़ाई शुरू करना है, और वो सोचते ही रहते हैं, वो कभी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बस का नहीं है, फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग आज ऐसा टाइम टेबल आपके लिए डिस्कस करेंगे जिनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपको ये वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगस्त में कैसे पढ़ें, सितंबर में कैसे पढ़ें। आप अपने हिसाब से अपनी स्टडी कंटिन्यू करके चलते रहोगे आराम से, डे बाई डे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा पहला जो पॉइंट है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है। गोल का मतलब क्या है कि आप अपने आप से क्लास टेंथ में या फिर क्लास नाइन्थ में कितने परसेंट मार्क्स स्कोर करना सोचते हो, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप मैक्सिमम कितना परसेंट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। तो मान लो, मैं आज एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 90% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर अपने क्लास नाइन्थ के एनुअल एग्जाम में, या फिर अपने क्लास नाइन्थ के हाफ ईयरली एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में आप मान लो 90% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो देखो क्या आप 90% लाइक एफर्ट लगा रहे हो, क्या आप इतनी मेहनत कर पा रहे हो। तो अगर इतनी मेहनत कर पा रहे हो तो आप 100% स्कोर करोगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर स्टार्ट करो करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीडियोस देख करके आपका कोई भला होने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है मोटिवेट करते हैं, देखना चाहिए, अच्छी बात है, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन हर महीने अपने हम प्लान क्यों चेंज करें, हमें एक ऐसा सटीक स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए जिसके लिए हमें कोई हर महीने चेंजेस करने की ज़रूरत ना हो, और जो हमारा टारगेट हो उसको हम अचीव कर पाएँ, उसका हमें रिजल्ट दिखे। ठीक है, तो अगर आपका 90% का गोल है तो आप इसके हिसाब से अपनी स्टडी करना स्टार्ट करो, इसके हिसाब से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप 90% स्कोर करना चाहते हो तो आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। वो एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको 90% स्कोर करना है तो आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना होगा। जो भी बच्चे ये टॉपर्स होते हैं, जो आपके 90% 95% वाले स्टूडेंट्स होते हैं चाहे किसी भी क्लास के, उनका एक ही होता है, सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। उनका दो ही मंत्रा है, सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। अगर इन दोनों में से कोई भी आपका नहीं हो रहा है तो फिर आपके बस का नहीं है 90% स्कोर कर पाना। ठीक है, तो हमें सेल्फ स्टडी और रिवीजन दोनों पे पैरेलल फोकस करना है ताकि आप अपने एग्जाम्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो देखिए करना क्या है आपको, कम से कम डेली 3 आवर्स का सेल्फ स्टडी टाइम टेबल तो सेट करना ही है। 3 आवर्स का क्या करना है, सेल्फ स्टडी टाइम टेबल बनाना है, और इसको अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि मान लो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हमारे होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है क्लास टेंथ में या फिर क्लास नाइन्थ में। तो अगर आप क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हो तो अगर आप अभी से इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दोगे तो यार आप क्लास टेंथ में तो बहुत अच्छा करोगे, आपको किसी भी अदर वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन मेरे भी जो ये अगर टाइम टेबल वाले वीडियो आते हैं तो उनको भी आप कहोगे यार क्या मतलब है देखने का, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इन सबको फॉलो कर रहा हूँ। देखो होता क्या, हमारे पास ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। अब इन 5 सब्जेक्ट्स में होता क्या है कि सभी स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग होता क्या है कि सभी स्टूडेंट्स का अपना डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो किसी को साइंस अच्छा लगेगा, किसी को सोशल साइंस बहुत अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश, किसी को हिंदी। तो हमें पहले तो अपने 2 पॉइंट्स डिवाइड करने हैं, वीक पॉइंट मतलब जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी कि जो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं जिनमें हमें मज़ा आता है पढ़ने में, जिनको हम इन्जॉय करते हैं। तो पहले आप उनको डिसाइड करो, और जो भी आपके वीक सब्जेक्ट हैं ये बस आपका माइंड गेम है कि आपके लिए वीक है, आप उन पर अभी से मेहनत करना शुरू करो, आप उन पर अभी से टाइम देना शुरू करो। आपको एक टाइम ऐसा फील होगा कि अभी हमारे जो हमारा वीक था वो क्या बन गया, आज हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप इस पर फोकस्ड नहीं हो, इसी वजह से आपका ये वीक सब्जेक्ट है। तो इनके लिए आप एक स्पेशल टाइम शेड्यूल बनाओ, इन पर फोकस करो, इनको अभी से मेहनत करना शुरू करो।
देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की गलती क्या है कि ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनको हम क्या समझते हैं, अरे छोड़ो यार इनको तो हम एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे, और यही हम भूल करते हैं। और जो भी हमारा टॉपर स्टूडेंट होगा, आप उसका रिजल्ट देखना, वो इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि आखिरी टाइम पे इनको पढ़ता ही नहीं है, उस स्टार्टिंग से ही पढ़ के चल रहा होता है, स्टार्टिंग से इन पे फोकस रहा होता है उसका होता है, और लास्ट में भी वो अच्छा करता है इनमें, और जो लास्ट का एग्ज़ाम में हमारा जो टाइम बचता है वो इन पे फोकस करता है, मैथ्स एंड साइंस पे, ठीक है, क्योंकि हमारे मेजर सब्जेक्ट्स तो मैथ्स और साइंस ही होते हैं ना, तो लेकिन हमें अगर हम इनको भी फोकस करना स्टार्टिंग से शुरू रखें, इन पे भी हम अपना फोकस स्टार्टिंग से बनाए रखें, तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में या फिर अपने कोई भी एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एनुअल कुछ भी कह लो, उनमें हमें इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम काफ़ी इजीली इन तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इन सबको ध्यान में रख के आज मैं आपको टाइम टेबल देने वाला हूँ, 3 आवर्स का सेल्फ स्टडी टाइम टेबल एंड 45 मिनट्स का रिविज़न टाइम टेबल, ठीक है। रिविज़न हमारा कब होगा, तो रिविज़न आपको मॉर्निंग में करना है। रिविज़न कब करना है, मॉर्निंग में करना है। देखिए होता क्या है, इंडिया में जनरली देखा गया है कि 8 to 2 PM आपके स्कूल्स का टाइम होता है, ज़्यादातर स्कूल्स सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक चल रहे होते हैं, तो हमें इन टाइम शेड्यूल को अलग कर लेना है। बाकी 3 to 6 PM ऐसा माना जाता है कि आपका अपना, बहुत सारा बच्चे कोचिंग जा रहे होते हैं, ट्यूशन जाना है, खेलना है, जो भी कुछ भी करना है, स्कूल के होमवर्क करने हैं, इनको आप कर लो, ठीक है, 3 to 6 PM के बीच में। बाकी 3 घंटे का समय आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए दो, अभी कैसे भी दो, 3 घंटे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैं इसका एक शेड्यूल आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इनको आगे पीछे कर लेना, इनको सेट कर लेना, लेकिन कम से कम आपको 3 घंटे का सेल्फ स्टडी तो करना ही चाहिए अगर आप अपने एग्जाम्स में 90% का टारगेट लेके चल रहे हो। और यकीन मानो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो 3 आवर्स का डेली, तो मैं तो 90% कह रहा हूँ, आप अपने एग्जाम्स में 99% मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें जो ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस इंग्लिश एंड हिंदी, इनको हमें 7 to 8 PM के स्लॉट में 1 घंटे इन्हीं से स्टार्ट करना है। अपने स्टडी को हम इनसे ही स्टार्ट करेंगे, 7 to 8 PM इनको हम पढ़ेंगे, इनको सोशल साइंस इंग्लिश एंड हिंदी, और ऐसे हम पढ़ेंगे कि हम एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या मानो हमने अगर आज सोशल साइंस पढ़ा है तो कल के दिन पे हम इंग्लिश पे टाइम दे लेंगे, थोड़ा हिंदी पे टाइम दे लेंगे। देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आप घूम घूम के आते हो, तो थोड़ा सा अभी आप इनको पढ़ोगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि इनमें वैसे भी कहानी होती है, ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, तो आप स्टार्ट अपनी पढ़ाई को इन्हीं से स्टार्ट करो, सोशल साइंस हिंदी एंड इंग्लिश से। देन बीच में आपका डिनर टाइम होगा, आप खाना वाना खाओ, इन्जॉय करो। बाकी आपका जो टाइम अगला स्लॉट हमारा होगा, वो हमारा होता है स्लॉट अगला 9 to 10, इस पर आप मैथ्स पे फोकस करो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हमें रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप डेली इस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मैथ्स में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो 8 to 9 PM आप मैथ्स पे फोकस करो, मैथ्स को अच्छे से पढ़ो समझो, ठीक है। देन 10 to 11 आप अपना साइंस पे टाइम दो, इस पर तो साइंस पे टाइम दो, साइंस में आप अपने साइंस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं, मानो आपके पास आज कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने पढ़ लिया, तो रिवाइज करो जो आपके पिछले सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके, ठीक है। तो बस एक आप 10 to 11 साइंस पे टाइम दो, 9 to 10 मैथ्स पे टाइम दो, और 7 to 8 सोशल साइंस इंग्लिश एंड हिंदी पे टाइम दो। हो सकता है कि अगर आप इनको, इनमें आपको बहुत ज़्यादा समय बच रहा है तो मैथ्स को इधर शिफ्ट कर लो, इनके टाइम स्लॉट में थोड़ा मैथ्स भी पढ़ लो, अगर मैथ्स में ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है। तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हो तो आप 100% अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में, क्योंकि अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। ज़्यादातर स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम्स अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है, तो आप 1 महीने इस टाइम टेबल को फॉलो करके देख लो कि आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो, अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिला हाफ ईयरली एग्जाम में, तो इसको पूरे साल फॉलो करना, आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी एक अच्छा रिजल्ट पाओगे। तो यकीन मानो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो 1 अगस्त को, तो इस टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।